मैं तो एक फार ऑफ प्लेस पे रह रहा हूँ, घंटामला, बारामला से 12 किलोमीटर अवे। तो इस जब मुझे बच्चों छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे, इनको स्कूल छोड़ना पड़ता है, तो गाड़ी का यही फ़ायदा था मेरे लिए कि इनको मैं इन टाइम स्कूल पे छोड़, लाइसेंस नहीं होगी तो उसमें भी मुझे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। मेरे बुज़ुर्ग माँ बाप हैं, डॉक्टर के पास कभी लेना होगा, अपॉइंटमेंट डॉक्टर के पास होती है, बिना गाड़ी के भी नहीं निकल सकता हूँ, मुझे हर दिन जो है हायर करनी पड़ती है अपना व्हीकल होने के बावजूद भी। मैं नहीं कह रहा हूँ उसका जो है इसमें गुस्सा जो था वो, मैं इसीलिए कह रहा हूँ मैंने कोई एक्शन नहीं की कि उसका जो गुस्सा था उसमें वो जायज था, वो आए अपनी लेसन हमें दे, वो नहीं। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का कि आप पर्सनली वहाँ पर गए, उस ऑफिसर के साथ उससे मिले, और जब उसको ये पता चला कि नहीं ये इशू जो है हाईलाइट हुआ है, उन्होंने पर्सनली मुझे कॉल की, मुझे फ़ोन किया, मेरा नंबर वहाँ पे था। 9 महीने के बाद जब मैं वहाँ उस ऑफिस में गया, हैरानी की बात यह है जो लाइसेंस मुझे 3.5 महीने तक नहीं मिली, वो सिर्फ 5 मिनट के अंदर अंदर उसने मेरी पूरा बायोडाटा वहाँ पे लिया, फीड किया, 5 मिनट के अंदर अंदर कंप्यूटराइज्ड लाइसेंस, ये आप देख सकते हो, ये मुझे जो है उसी वक्त फॉर्म दी।